बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी। फिलहाल ये एक नया एक्सपीरियंस है कि आप एक सी के ऊपर खड़े हो जो जम हुआ है, और यहाँ पे पीछे घर है। नोज एक्चुअली जमना शुरू हो जाएगा और आए लैशेस पे आपको बर्फ फील होगी। जी गुड मॉर्निंग, आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे और आप भी बड़े रहें। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आज है हमारा चौथा दिन ट्रिप का। तो हम हैं इस टाइम केमी में, और केमी है एक छोटा सा टाउन यहाँ फिनलैंड में, और ये टाउन लगभग रोवेनेमी से 1.5 घंटा दूर है। तो कल जो हमने हमको दिखाया सांता क्लॉज और हमारी एक्टिविटीज़ वो सारी थी रोवेनेमी में, और वहाँ से कुछ हम 1.5 घंटे ट्रैवल करके आए थे केमी, जहाँ पे हमारा होटल है जो मैंने आपको कल दिखाया था। और इसी होटल से हम कल गए थे लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पर रात को 10 बजे, जहाँ पे हमने नॉर्दर्न लाइट्स देखा, और वहाँ से फाइनली हम होटल पहुँचे थे करीब 2:30 बजे। उसके बाद मैं सो गया तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और इतनी ठंड थी बाहर, उधर टेम्परेचर लगभग -25-26 था, और फील्स लाइक और भी कम होगा, और आज सुबह का टेम्परेचर यहाँ का भी -20 है। बट आज का प्लान हमारा ये है कि अभी हम लोग 12 बजे यहाँ से चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ का स्नो कासल, तो हमने उसका टिकट बुक किया है। वो टिकट AM to PM की वेबसाइट से ही मिल गया था, तो हमने वहाँ बुकिंग कर ली। आई थिंक 34 यूरोज़ का वो कासल का विजिट है, तो हमने वो बुक किया है। तो हम आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोगों का यहाँ से 8 बजे हम एक्चुअली रात को निकलेंगे केमी से, जाएंगे टूवर्ड्स टुर्कू। तो जी फाइनली हम हो चुके हैं तैयार, और हम आ गए हैं होटल से बाहर, हमने कर दिया चेकआउट। अभी बज रहे हैं 1, और हम निकल रहे हैं यहाँ सिटी घूमने के लिए। दो केमी में ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नहीं इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ पे, जिसमें आपको क्रूज़ पे लेके जाता है, आइस ब्रेकर क्रूज़ बोलते हैं उसे, और बीच में ले जाके आपको वहाँ पे कपड़े वपड़े पहना के आइस फ्लोटिंग कराते हैं, और खाना पीना है वहाँ पे, सब कुछ है, बट वो बहुत ही कॉस्टली है। तो अभी मैंने प्राइस चेक किया उसका, 275 यूरोज़ का वो पर पर्सन है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल नहीं करने वाला हूँ वो, बट आपके अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो है, और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे स्नो कासल। तो स्नो कासल ऑब्वियसली हम देखने जाएंगे, वो हमारा 3 बजे स्टार्ट होगा, तो हमारे पास लगभग 1.5 से 2 घंटा है। तो हम सोच रहे हैं सिटी थोड़ा घूम लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो आज थोड़ा मौसम फिर भी बेटर है, थोड़ी थोड़ी धूप है, टेम्परेचर -21 डिग्रीज़ है, और हल्का हल्का स्नो गिर रहा है। बट 2 लेयर पहना है, 3-4 लेयर जैकेट, 2 लेयर जैकेट में 2 लेयर पहना है, 4 लेयर ऑलरेडी पहन रखा है, तो इतना ठंड फील नहीं हो रहा है। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं हम क्या करते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ घूमते हैं, और उसके बाद दिखाएंगे आपको स्नो कास्ट। और अगर आपको हमारी ट्रैवल सीरीज़ में मज़ा आ रहा हो और हमारे ब्लॉग्स में मज़ा आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वो जो नीचे बेल नोटिफिकेशंस का आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तो उससे आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स जब भी हम, और नोटिफिकेशंस जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और क्योंकि सुबह सुबह का व्यू है यहाँ पर, ड्रोन में उड़ा नहीं सकता क्योंकि ये एयरपोर्ट के पास है बिल्कुल, तो मैं आपको सिर्फ होटल का व्यू दिखा सकता हूँ, रात में तो कुछ दिख नहीं रहा, बट अभी सुबह में मैं आपको दिखाता हूँ कि होटल का व्यू कैसा है और बाहर से कैसा दिख रहा है होटल। यहाँ तो सब जगह पे स्नो है क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी स्नो गिर रहा है, और ये है हमारा होटल स्कैंडिक केनी। होटल काफ़ी अच्छा है, और मतलब प्रॉपर्टी सही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एंड तक ये होटल है हमारा। दो ही फ्लोर्स हैं यहाँ पे, बट होटल अच्छा है, यहाँ पे सोना भी है इनका, आपका स्विमिंग पूल भी है, तो अगर आपको सोना लेना है तो आप सोना के लिए भी जा सकते हैं, और स्विमिंग पूल भी इंजॉय कर सकते हैं, और रूम्स भी काफ़ी स्पेशियस थे, एटलीस्ट जिस रूम में मैं रुका था 3 बंदों के लिए तो काफ़ी था, बट नॉर्मली अगर आप फैमिली के साथ भी आएंगे तो 2 लोगों के लिए मोर देन एनफ है। और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी होटल में, ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, तो मैं सुबह लेट हो गया था इसलिए मुझे ज़्यादा ब्रेकफास्ट मिला नहीं, बट ओवरऑल ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन थे। बस फिलहाल निकलते हैं हम यहाँ से, और ये होटल हमारा AM to PM से ही बुक था, तो मुझे नहीं पता इसका प्राइस कितना है या कितना पे किया, बट फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और घुमाते हैं आपको यहाँ का सिटी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो -21 में मैंने फील की, कि -21 में अगर आप बाहर निकलेंगे और अगर आपने मुंह कवर नहीं किया और आईज़ कवर नहीं किया है, तो
आपका नोज़ एक्चुअली जमना शुरू हो जाएगा और आई लैशेज पे आपको बर्फ़ फील होगी। मैंने चश्मा पहना है तो मुझे आई लैशेज पे तो नहीं हो रहा, बट मेरा नाक बार बार बंद हो जा रहा है तो मुझे बार बार ऐसे चेक करना पड़ रहा है कि भाई सब ठीक है कि नहीं, बट पूरा आई जम जा रहा है ऐसा लग रहा है नाक के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर -21 डिग्रीज है और मैंने नोज़ कवर नहीं कर रखी है अपनी। फिलहाल मैं निकालता हूँ मफलर या कुछ ऐसे ताकि मैं नोज़ तो कवर कर पाऊँ। तो ये मैंने पहन लिया है, ये मैंने डिकैथलॉन से ख़रीदा था 4 यूरो का, लेकिन ये बड़ी सही चीज़ है आपका नोज़ और फेस प्रोटेक्ट करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज जब आप चश्मा पहनते हो तो चश्मे में फॉग जम जाता है, तो वही चीज़ें मुझे ऐसे नीचे करना पड़ता है। One eternity later. तो जी जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ का आइस कासल जहाँ पे हमें 3 बजे आना था, और यहीं पे वो एक्टिविटी होती है जो मैंने आपको बताया था आइस ब्रेकिंग। अनफॉर्चुनेटली आज के लिए वो ख़त्म हो चुके हैं, तो सुबह के टाइम पे रहती है या फिर शाम के टाइम पे रहती है, दोपहर में कुछ नहीं रहता है। तो शाम को हम जा नहीं सकते क्योंकि हम आइस कासल में जाएंगे और सुबह हम पहुँच नहीं पाए। तो फिलहाल हम यहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये आई थिंक स्नो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, अंदर भी एक 365 डिग्री एक्सपीरियंस है, काफ़ी सही अंदर का माहौल, मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगा। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या है और 2-4 रील बनाते हैं, आए तो ठंड में। This morning half so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny. तो जी हम आए यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे हम कर सकते हैं कुछ एक्टिविटी स्नो में, तो हम वो करते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, बहुत ही सही व्यू है पीछे का। A few moments later. तो जी अभी हम अंदर हैं स्नो कासल के और यहाँ पे कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें स्नो की बनी हुई है। तो लेते हैं आके नज़ारे, लेते हैं स्नो राइड और आपको भी दिखाते हैं। और ये एक प्लेस है और उसके बाद हम जाएंगे दूसरी प्लेस पे और वहाँ पे भी आपको घुमाएंगे। और मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये यहाँ का रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ है, तो ये टेबल्स जो है ये सब स्नो का बना है और जो उनके ऊपर खाने पीने का सामान है आप ऑर्डर भी कर सकते हैं शायद यहाँ पे। और सारे जो क्रिएचर्स बना रखे हैं सारे स्नो से बने हुए हैं, पीछे देखिए आइस के क्रिएचर्स हैं और ये सारी टेबल्स भी आइस हैं, तो काफी सही आइस का से। Some things gotta give today.
is a good day today and not tomorrow. There's no time to borrow today. Well, something's gotta give today. It's a good day today. It's a good. तो जी फाइनली हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं और कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, अंदर छोटे छोटे कमरे टाइप बन रखे हैं, कहीं पे बेड पड़े हैं, कहीं पे सोना है, कहीं पे छोटे बच्चों के लिए बेड्स हैं, कहीं पे ऐसे सीट्स पड़ी हैं। तो है तो सही एक्सपीरियंस लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, और जनरली सब चीज़ें स्नो से बनी है, जैसे उधर आइस कासल था इधर सारी चीज़ें स्नो से बनी है और जो बेड्स वगैरह हैं वो आइस से बने हैं। तो फिलहाल और देखते हैं आजू बाजू दो चार चीज़ें वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, बट इतना कुछ खास नहीं था, बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये लग रहा है। A few moments later. तो जी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक्चुअली गल्फ ऑफ बॉटनी है जो सी है और आपका ये पड़ेगा फिनलैंड और स्वीडन के बीच में और ये पूरा जमा हुआ है। तो इट लुक्स लाइक हम बीच पे खड़े हैं बट बीच वाला फील नहीं आ रहा क्योंकि पीछे पूरा जमा हुआ है जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, और यहाँ पे चल भी सकते हो तुम, थोड़ा आगे आए मैं एक्चुअली, बीच तो काफ़ी पीछे था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे घर बने हुए, और मुझे दिखा कि एक बंदा लैपटॉप के पीछे काम भी कर रहा है, तो आई डोंट नो वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, बट इधर एक बंदा पीछे बैठ के काम कर रहा है। क्या सही माहौल है, आप अंदर बैठो और अंदर ऑब्वियसली गर्म होगा सब कुछ और बाहर का व्यू एक नंबर, अंदर बैठ के काम करो। तो पूछता हूँ इनका प्राइस कितना अगर इसे रेंट करना हो एक दिन के लिए, और वो मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पूछते हैं अंदर जाके क्या प्राइस है और कितना में मिलता है और कैसे रेंट कर सकते हैं, बट व्यू एक नंबर। दो चार फोटोज क्लिक करते हैं, रील बनाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो यह है गल्फ ऑफ बॉटनिया जैसे मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि अभी हम फ्रोजन गल्फ ऑफ बॉटनिया पे खड़े हैं। तो मैं आपको पैर अंदर डाल के दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा स्नो है और पैर मेरा कितना अंदर जाता है, बट फिलहाल ये एक नया एक्सपीरियंस है कि आप एक सी के ऊपर खड़े हो जो जमा है और यहाँ पे पीछे घर है, वो तो मैंने आपको दिखाई था। तो जी आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हम आए थे आइस कासल देखने और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो आइस कासल मोस्टली एक घंटे में ख़त्म हो गया था क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा दिखा ही नहीं खास, तो छोटा मोटा था, फ़ोटो खींच लिया, स्लाइड ले लिया, बाहर भी एक स्लाइड ले लिया और दूसरी जगह एक छोटा सा स्नो का कासल है वो देख लिया, ज़्यादा कुछ था नहीं, आधा एक घंटा में ख़त्म हुआ। तो दो घंटे यहाँ बैठे मैंने, थोड़ा वीडियो एडिट कर लिया, तो देखते हैं मैं बाकी वीडियो एडिट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ब्लॉग टाइम से आएगा नहीं आएगा, बट फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं और पिज़्ज़ा प्लेस बाकी जनता ने बताया कि बहुत टेस्टी है कोई पिज़्ज़ा कहीं पे, तो हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पहुँचते हैं और फिर फाइनली फिर से बैठेंगे बोरिंग बस जर्नी में। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बस जर्नी का नाम सुनते हैं हम लाइक भाई अब नहीं चाहिए बस जर्नी, कोई फ्लाइट व्लाइट दे दो तो मैं पहुँच जाऊँ, बट ठीक है आज पूरा ओवरनाइट बस जर्नी है, उसके बाद हम पहुँचेंगे टुर्कू, वो बात करते हैं पिज़्ज़ा खाने के बाद, पहले जाते हैं पिज़्ज़ा प्लेस। तो जी पिज़्ज़ा तो हमने खा लिया और बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का, बट बहुत सही प्लेस थी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप कभी आते हो तो यहाँ से आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, बहुत ही सही था और बंदा भी बहुत सही था जो पिज़्ज़ा सर्व कर रहा था, और हमने वहाँ पे लगभग दो घंटा स्पेंड किया। अब वापस हम होटल आ चुके हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 7:45 और हमारी बस का टाइम हो चुका है और हमें निकलना है यहाँ से। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और मेरे आप पीछे देख सकते हैं जैसे स्नो शुरू हो गया है, बट आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, हम सुबह पहुँचेंगे टुर्कू तो वहाँ से शुरू करेंगे नई दिन की शुरुआत और ऑब्वियसली नए ब्लॉग की शुरुआत। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें बिना मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय चाओ। आज हम टुर्कू में यहाँ घूमेंगे, शाम को यहाँ से 8 बजे अपना क्रूज पकड़ेंगे, और बाहर से देख के पता नहीं चलेगा कि ये इनका मार्केट हॉल टाइप है। तो जी फाइनली यहाँ पे समझ तो आ नहीं रहा क्योंकि हर जगह स्नो जमा हुआ है, तो कोई पॉइंट वॉइंट तो मिल नहीं रहा फोटो का।